नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। आपकी आवाज। देह व्यापार गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़, दो लड़कियों को कराया मुक्त। हरिद्वार पुलिस ने सोमवार को कथित देह व्यापार गिरोह के भंडाफोड़ का दावा करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और इस व्यापार में जबरन धकेली गई दो लड़कियों को मुक्त करवाया। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि इस गिरोह की संचालिका बताई जा रही आरोपी महिला सपना राजपूत और उसका साथी सोनू मौके से फरार होने में सफल रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी इबदुल्लाह उर्फ रिहान और हरियाणा के जींद निवासी मुकेश शर्मा हरिद्वार के दो होटलों में प्रबंधक हैं और उन्हीं के होटलों में कथित देह व्यापार का धंधा चल रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सादे कपड़ों में खुद ग्राहक बनकर दलालों से व्हाट्सएप पर बात की और उन होटलों की जानकारी ली जिनमें कथित तौर पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था। सिंह ने बताया कि इसके बाद होटलों में ग्राहक बनकर गए पुलिसकर्मियों ने छापा मारा और लड़कियों को मुक्त करवाते हुए रिहान और शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजपूत व सोनू ग्राहक लेकर आते थे और रिहान एवं शर्मा अपने अपने होटलों में उन्हें